बस आज अच्छा लगा और पूरी नई टीम है, सबको शुभकामनाएं देने आया। जैसे इसरार जी हैं वो हमारे मित्र हैं, और जिस तरीके से कोई भी नई फिल्म बनती है तो उसमें 100-200 परिवारों को रोटी ही मिलती है, तो हम हमेशा सिनेमा को प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए हम आए। एज ए गेस्ट पहुंचे हैं, कितना अच्छा लगा आपको? मैं हमेशा अब अच्छा ही लगता है, और हर जरूरी थोड़ी कि हर फिल्म के आप हिस्सा हों, तो कभी जिस फिल्म के हिस्सा होते हैं उसमें सबको बुलाने में अच्छा लगता है, और जिस फिल्म के हिस्सा ना हो तो उसमें कोई सम्मान के साथ बुलाए तो उसका एक हिस्सा होना बहुत अपना ही हिस्सा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज पूरी दुनिया जब एक छोटा सा गांव हो चुकी है तो फिल्में तो हिट ही होंगी, जब फिल्में हिट होंगी तो सौओं फिल्में रोज़ बनेंगी, फिल्में हिट अच्छी अच्छी और अच्छे कंटेंट और हज़ारों लोग काम करने लगें। इस समय वो ज़माना है, उतने देखने वाले लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गॉड ब्लेस देम ऑल। आज बहुत आज ही पिछले 2 साल से जो है एक बहुत अच्छा एक ब्रेक जैसा लगा था, जिसमें काम तो बहुत थे लेकिन राजपाल यादव ने पिछले 15 साल में जो 17 साल में काम किया है, अब आगे आने वाले दिनों में काम क्या करना है, इसी ट्रैक पे जो ट्रैक पे काम कर रहे थे उस पर करना है या कुछ और करना है, तो उसको करने के लिए जो 2 साल का ये चिंतन मंथन आया, तो आप बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि आप 2017-18-19 फुल ऑफ और स्क्रीन प्ले या बोलते हैं कहानी स्टोरी, लेकिन अच्छे अच्छे कंटेंट की, जिसमें राजपाल यादव का एक इंस्टीट्यूट भी जिससे बिलोंग करते हैं वो भी एक जिम्मेदारी लगती है, तो बहुत खुश हूँ कि बहुत सारा जो अब अपने मन का जिस तरीके से सिनेमा करना चाह रहे थे वो फ्लोर पे है। सर, एक आपके सवाल है, कल बांग्लादेश में जो हुआ है और अक्सर हो रही है हम लोग के बारे में, पाकिस्तान रोज आए दिन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दर्दनाक दर्दनाक दर्दनाक।